सबसे पहले बात करेंगे टीवी एक्टर एजाज खान की। एजाज खान ने एक नए विवाद को न्योता दे दिया है। एजाज खान ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड कर गौरक्षा के नाम पर हो रहे हमलों पर सवाल उठाए हैं। गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर बोलते हुए एजाज खान ने कहा कि आप लोग मर्द हैं, माई के लाल हैं और मोदी जी और योगी जी को काउ बेल्ट पर रोक लगाकर आप दिखाइए अगर आप में दम है तो। मैं गौरक्षक से और मोदी जी से और योगी जी से ये बोलता हूँ क्योंकि तुम लोग हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करवा के दंगे करवाना चाहते हो और हम लोगों को आपस में बांटना चाहते हो। होता तुम लोगों से कुछ नहीं है, खाली बातें करवा लो। एक अकेले इंसान को 20 लोग लकड़ी से और पाइप से मरवा लो, ये कर लो बस तुम लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने कश्मीर के हालातों को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी लोगों को एक तरफ आतंकवादी मारते हैं और दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। भारतीय सेना पर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए दिग्विजय सिंह ने उस वीडियो को भी साफ दरकिनार किया है जिसमें सीआरपीएफ के जवानों को कश्मीरी गुंडे सरेआम पीट रहे थे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार की कश्मीरी नीति पर भी निशाना साधते हुए पाकिस्तान से युद्ध की आशंका जताई है। काला धन वापस आया नहीं, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपए जमा हुए नहीं, तो लोगों में नाराजगी रहेगी और उससे बचने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, केवल यही हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई पैदा करें और पाकिस्तान से युद्ध की तैयारी करें। और बात उड़ीसा से माया अखिलेश पर बीजेपी के वार की। यूटीडीपी डिप्टी सीएम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है। कहा है कि किसी तरह के गठबंधन से कोई फायदा नहीं होगा, जनता ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया है। भुवनेश्वर में चल रही है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और इसी बैठक में ये बयान सामने आया है। वो चाहे गठबंधन करें, चाहे महागठबंधन करें, चाहे ठग गठबंधन करें, भाजपा को रोकने की उनकी हर कोशिश विफल होगी क्योंकि देश की और प्रदेश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है। और जिन लोगों ने विकास के नाम पर केवल धोखेबाजी की, जनता ने उन्हें विदा कर दिया। बहुत जल्दी गठबंधन, ठगबंधन, महागठबंधन जो करना चाहते हैं उसमें कोई सफलता नहीं। अखिलेश जी का संतुष्ट होना ये आश्चर्यजनक होगा। निश्चित रूप से उन्होंने विरोध पक्ष के रूप में चुनाव लड़ा है और हमारे अच्छे कार्यों से संतुष्ट जनता हो ये ज़्यादा आवश्यक है। और जनता संतुष्ट है, जनता के प्रति हम लोग जवाबदेह हैं जिन्होंने हमको चुनकर भेजा है। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, आपका कहना है कि विपक्ष गठबंधन बना के लड़ना चाहते हैं, जब अगर कोई हमसे असंतुष्ट है तो गठबंधन की बात काहे को कर रहे हैं? अलग अलग बात आप अलग अलग उस पर क्यों नहीं लड़ते? वो एक दल का नहीं, दो दल का नहीं, सारे दलों का मिला ले। जनता के प्रति जो एक तरीके का उन लोगों का अरुचिपूर्णिकार था, जनता ने चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उनको जवाब दिया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर आखिर कहा क्या था। कि बीएसपी द्वारा अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी वे ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन मैं तो ये कहूंगा, झूठ के खिलाफ जिस तरह का झूठ देश में फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धोखे में सरकार बना ली, कोई न कोई इस तरह का रास्ता खुलना चाहिए राजनीतिक। और बड़ा चाहे हो, कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले, हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। हमने पहले भी स्वागत किया था, तब भी बहुत बड़ी खबर निकली थी क्योंकि परिणाम उस समय नहीं आया था, तब भी बड़ी खबर निकल गई थी, हम तो अब भी तैयार हैं।
तो सुना आपने गठबंधन पर वो बयान जिस पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात पीएम नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी ओडिशा दौरे के दूसरे दिन भुवनेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे और यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के पुरारियों ने पीएम मोदी को लिंगराज मंदिर की मान्यताओं और इतिहास की जानकारी दी। ये शक्तिपीठ 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल तो नहीं है, लेकिन इसकी मान्यता किसी ज्योतिर्लिंग से कहीं ज्यादा खास है। इन्हें सभी शिवलिंगों का राजा भी कहा जाता है। 1400 साल पुराने इस शिव मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ के सरोवर में देश की सभी पवित्र नदियों का जल मिला हुआ है। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिव की साधना करते हुए नजर आ रहे हैं। परिक्रमा करते हुए मोदी आपको नजर आएंगे, अभिभावन करते हुए मोदी आपको नजर आएंगे और इसके अलावा चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल्फी के लिए लोगों में होड़ मची हुई है। और इधर लखनऊ में विधि और न्याय विभाग मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है। महिलाओं और दलितों के लिए बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट और आपको बता दें कि जल्द न्याय दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बनाए जाएंगे और अब जल्द ही महिला उत्पीड़न मामले की जांच भी होगी। 1000 महिला अफसरों की जल्द तैनाती होगी। विधि और न्याय विभाग ने इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव तैयार किया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने अपने घोषणा पत्र के जो दावे थे उसमें एक कदम और आगे बढ़ाया है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए विभागीय मंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, जो महिलाओं के लिए और दलितों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा पत्र में भी बात की गई थी और वो प्रस्ताव आपने साथ भेजा भी है, क्या है ये पूरा प्रस्ताव? दरअसल भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था उस पर हम लोग अमल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये तय हुआ कि जो महिलाओं पर अत्याचार अनाचार होता है मुकदमे तो दर्ज हो जाते हैं लेकिन दसियों साल उनको न्याय नहीं मिल पाता और समय से न्याय न मिलना अन्याय के बराबर है। इसलिए भाजपा सरकार ने तय किया है कि महिलाओं पर जो अत्याचार अनाचार हुए जिन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको त्वरित न्याय देने के लिए 100 फास्ट ट्रैक नए कोर्ट खोले जाएंगे जो त्वरित न्याय प्रदान करेंगे महिलाओं को। अच्छा, इसमें 100 ये महिलाओं के लिए रहेंगे और 25 कोर्ट दलितों के लिए भी रहेंगे? हाँ, 25 जो हमारे दलित समाज के भाई हैं SC ST एक्ट के यार उन पर जो अत्याचार अनाचार विभिन्न धाराओं में हुए हैं उनको भी त्वरित न्याय देने के लिए 25 नए सेशन कोर्ट खोले जाएंगे। ये कि ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे 100 महिलाओं के लिए और 25 के लिए, तो जजों की जो कमी है खासकर सभी कोर्टों में कमी, ये कैसे पूरी करेंगे चूंकि आप विभागीय मंत्री? नए पद सृजित किए जा रहे हैं और जो भी न्यायपालिका इसमें सहयोग मांगेगी उसकी संख्या को पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ विभागीय मंत्री हैं और एक नई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था उसको पूरा करते हुए कदम आगे बढ़ाया है और जल्द ही उत्तर प्रदेश में दलितों और महिलाओं को न्याय के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। एक जो भी मुकदमे हैं वो तत्काल उनका निस्तारण होगा। अब देखने वाली बात यह है कि कब हरी झंडी इस प्रस्ताव को मिलती है। हालांकि प्रस्ताव भेज दिया गया है विभाग की तरफ से, अब हरी झंडी का ही इंतजार है। कैमरामैन अमित साहनी के साथ संकेत मिश्रा, समाचार प्लस, लखनऊ। और इधर लखनऊ में JPNIC में अब घोटालों की परतें खुल रही है। JPNIC में एक पेड़ की कीमत 1,69,00,000 रुपए लगाई गई है। पेरिस से दरअसल ये करोड़ की कीमत के पेड़ लाए गए हैं। गेस्ट हाउस में एक छोटा सा पत्थर भी 900 रुपए का वियतनाम से लाया गया है और करोड़ों पत्थर ऐसे हैं जो वियतनाम से लाए गए हैं। कमीशन के लालच में खूब कमाई की गई है और खूब पैसों की बर्बादी की गई है साज सज्जा का सामान लाने के लिए। इसके बहाने अफसर खूब विदेशों में घूमकर आए हैं। मंत्री की रिपोर्ट में सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। मंत्री सुरेश वासी ने तैयार की LDA के फर्जीवाड़े की रिपोर्ट और LDA VC सत्येंद्र सिंह ने यादव सिंह से भी बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। मंत्री ने सत्येंद्र के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले अफसरों की लिस्ट भी बाकायदा तैयार की है और इस फर्जीवाड़े में KK सिंह, DC सचान भी शामिल है। NL सिंह, संजीव कुमार, BP मौर्या भी फर्जीवाड़े में शामिल है। और अब बात हरदोई के उस दलित पवार की, माफ कीजिएगा, और हरदोई के उस दलित परिवार की जिसने CM योगी से पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। मामला हरदोई देहात के महीपुरी गांव का है जहां का रहने वाला एक दलित परिवार पिछले 30 सालों से खेती कर अपना जीवन यापन कर रहा है लेकिन इस बार की गेहूं की फसल तैयार होने के बाद जब परिवार ने उसे काटना चाहा तो मालूम चला कि गांव के प्रधान ने उनकी फसल SDM के साथ मिलकर नीलाम कर दी है जिसके परिवार को कोई जानकारी भी नहीं थी, जिसके बाद से परिवार सदमे में आ गया है और CM को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। पीड़ित दलित परिवार का कहना है कि चुनाव में प्रधान को वोट न देने की वजह से गांव के प्रधान ने SDM के आदेश पर अपने चहेते का नाम फसल कर दी है। हम प्रधान ने हमको खेती ये करने के लिए दी थी, हमको 35 साल लगभग इसी खेती में करते हुए हो गया और हम
इसी से करते हैं, इसी से खाते हैं, हमारे पास पैसे दाम है नहीं और हम गरीब आदमी हैं, इसी में करते हैं, इसी में रह रोजी रोटी चलाते हैं। और प्रधान SDM से मिलकर अपने नाम खेती नीलाम करा ली। इसकी नीलामी मेरे पास हो गई है तो मैंने दोनों पक्षों को बुलवाया था। फिलहाल मैं यथास्थिति पता कर रहा हूँ। फसल दूसरे पक्ष ने बोई है ये बात सत्य है और वो ही काट रहा था जिसने फसल बोई है, लेकिन चूंकि उस फसल को नीलाम कर दिया गया है इसलिए फिलहाल मैंने इस फसल को रुकवा दिया है। मऊ से बीजेपी सांसद ने जिला निगरानी समिति की बैठक के दौरान PWD के अवर अभियंता को चमड़ी उधेड़ने की धमकी दे डाली। सांसद की धमकी के दौरान बैठक में जिलाधिकारी सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल निगरानी समिति की बैठक के दौरान अभियंता ने सांसद के द्वारा एक सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया, जिसके बाद सांसद का पारा चढ़ गया और अभियंता की चमड़ी उधेड़ने की धमकी दे डाली। वहीं जिलाधिकारी सांसद को शांत कराने में जुटे रहे। हमको क्या कहोगे, क्यों कहेंगे हमको कहोगे आगरा में बजरंग दल नेता का विवादित बयान सामने आया है। फारूख अब्दुल्ला का सिर काटने पर 1,00,000 का इनाम रखा गया है। नेता गोविंद पाराशर ने इनाम देने की घोषणा की है। पहले भी आपको बता दें कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए रवाना हो चुका है गोविंद। कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी पर दरअसल गुस्सा जताते वक्त ये तमाम बातें कही। जो भी भाई इस देश के गद्दार का फारूख अब्दुल्ला का सिर लेकर आएगा उसको गोविंद पाराशर की तरफ से 1,00,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। और जो भी देश के आर्मी या देश के फौजियों के साथ ऐसा कृत्य करेगा उसको देश में कुत्ता फांसी दी जाए या ऐसे देश के गद्दारों को बाहर खदेड़ा जाए या इनको मार के चौराहे पर लटका जाए। जय श्री राम। लखनऊ में 51 सदस्यीय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक दूसरे दिन भी जारी है और बैठक में ट्रिपल तलाक, हलाला जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। वहीं दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। तो बैठक अभी भी चल रही है, कल से ये बैठक चल रही थी और आज 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसके बाद बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक यहाँ चल रही है और आप देख सकते हैं बैठक कल से जो 2 दिवसीय बैठक है अभी तक जारी है। यहाँ पर कई अहम मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं। तकरीबन 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें साझा किया जाएगा कि आखिर क्या कुछ फैसले लिए गए, क्या कुछ बातें की गई। और आप देख सकते हैं जितने भी उलेमा हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़ास तौर पर बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक के मुद्दों को लेकर अहम चर्चाएं जारी हैं। कैमरामैन अमित साहनी के साथ अभिषेक सिंह, लखनऊ, समाचार प्लस। इधर खाद्य और रसद मंत्री अतुल गर्ग का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि किसानों की आत्महत्या के सवाल पर मंत्री ने यह बयान दिया है और बयान देते हुए कहा कि किसान मरा तो योगी हमारी हत्या कर देंगे। किसानों के लिए गंभीर है योगी सरकार, कर्ज माफी के बाद अब गेहूं खरीद रही है योगी सरकार। किसान को अब की बार अधिकार स्वाभिमान के साथ गेहूं बेचेगा किसान, किसान घुटने के बल बैठ के गेहूं नहीं बेचे। आत्महत्या नहीं करेंगे सर, आत्महत्या तो बहुत दूर की बात है। अगर अब की बार किसी किसान ने आत्महत्या कर ली तो हम जैसों भी कईयों की हत्या कर देगा योगी। तो सुना आपने, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात नोएडा में देखिए हिंदू युवा वाहिनी नेता की करेंगे। दरअसल इन नेता साहब की दबंगई सामने आई है। मामला गिछौड़ चौराहे का है जहां नेताजी सत्ता के नशे में ऐसे चूर दिखे कि पहले तो एक बाइक सवार को टक्कर मार दी और फिर माफी मांगना तो दूर की बात, ये नेताजी अपनी गाड़ी को ठीक कर बाइक के ऊपर से गाड़ी को निकालते हुए वहां से चलते बने। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से नेताजी बाइक के ऊपर से गाड़ी को चढ़ाते हुए मौके से निकल गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं आप समाचार प्लस पर। देखिए किस तरीके से आपको बाइक सड़क पर पड़ी हुई नजर आएगी। तो सड़क पर नेताजी ने सत्ता की हनक बखूबी दिखाई है और सत्ता की हनक दिखाते हुए हिंदू युवा वाहिनी के नेता ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है और रुकना तो बहुत दूर की बात है, रुकना तो गवारा समझा ही नहीं उन्होंने। सड़क पर पड़ी बाइक पर बाकायदा अपनी कार चढ़ाई और चलते बने।
कानपुर में बेजुबान जानवरों के लिए मौत का सबब बनी है सिग्नेचर सिटी। जी हां, चिड़ियाघर के नजदीक दरअसल सिग्नेचर सिटी का निर्माण हो रहा है और निर्माण में निकलने वाली धूल से जू के जानवर मर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। एसजीटी ने सिग्नेचर सिटी के निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है। प्राधिकरण के अधिकारियों से 15 मई तक जवाब मांगा गया है। इमारत निर्माण से पहले आखिर क्यों नहीं ली गई पर्यावरण एनओसी? कानपुर जू के डायरेक्टर ने भी माना है कि निर्माण से जानवर मर रहे हैं। नहीं, इसमें दिसंबर में, जैसे दिसंबर में नवंबर दिसंबर के अराउंड जोर शोर से काम शुरू हुआ, उस समय प्रॉपर इन्होंने कवर नहीं किया था एरिया को। तो हम लोग चिट्ठी लिखते रहे कि आप कवर कीजिए पूरी एरिया को, जिससे कि धूल और तेज़ आवाज़ भी लगातार आ रहा था, इसको भी कंट्रोल करें। क्योंकि शुरू में जब एक इन्होंने ओपिनियन मांगा था, उसमें कहा गया था कि एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेंगे। कानपुर देहात के अवरोधा ब्लॉक के करियापुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य की मिलीभगत का खेल चल रहा है, जिस राजनीति में फंसकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल यहां पर स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अंदर जिला पंचायत सदस्य का ऑफिस खुला है और कई बार अधिकारियों के निरीक्षण करने के बाद भी किसी ने इस ऑफिस पर सवाल नहीं खड़े किए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विद्यालय के नाम के आगे मलखान सिंह यादव जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लिखा हुआ है और विद्यालय के अंदर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की होर्डिंग दीवार पर लगी रही है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा। हाँ, आपने ये सूचना हमको दी है और फोटोग्राफ भी मैंने देखे हैं। ये आश्चर्य का विषय है, किसी भी इस प्रकार के आलेख हमारे सरकारी भवन पर नहीं लिखे जा सकते और ये आपत्तिजनक है। इसको निश्चित रूप से हम लोग मौका दिखवा करके और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और उधर पीलीभीत की एक महिला को पहले पति ने अमेरिका से फोन पर तलाक दे दी और फिर ससुरालियों ने उस पर तेजाब से हमला कर दिया। मामला न्यूरिया थाना क्षेत्र के एक कस्बे का है, जहां के रहने वाले मतरूम अहमद का निकाह 15 साल पहले हुआ था और शादी के बाद दोनों अमेरिका में साथ साथ रहते थे, जहां पत्नी को पति की गलत हरकतों का पता चला, जिसके बाद पत्नी ने विरोध करने पर मतरूम ने बहाने से उसे घर भेज दिया और फिर फोन पर उसको तलाक दे दी। जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा तो महिला को ससुराल में पूरे हक का कोर्ट ने आदेश सुनाया, जिस पर महिला 12 दिन पहले अपने ससुराल पहुंची तो घरवालों ने मारपीट कर उस पर तेजाब से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उसके बाद वो ये कह के चले गए मुझसे कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा लौट, वो अमेरिका जा रहा हूँ मैं, और वहाँ से मैं न्यूजीलैंड निकल जाऊंगा, मेरी जॉब न्यूजीलैंड में हो गई है, फिर मैं आप लोगों को वहाँ बुला लूंगा दोनों माँ बेटे को। और उन्होंने फिर उसके बाद बुलाया नहीं मुझे और अपने घर वालों से और सबसे कह दिया कि मैंने इनको तलाक दे दिए फोन में। उनका पति पत्नी के बीच में न्यायालय में भी विवाद चल रहा है और जो भी विवाहेतर संबंधों से जुड़े मुकदमों में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। उस विवाह के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट करी है और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके ऊपर तेजाब डाल दिया गया है जिससे वो बच गई है और तेजाब उनके पीठ के हिस्से पे कहीं पे उन्होंने डालना बताया, तो जिसके लिए मेडिकल करके अभियोग पंजीकृत करा के कार्रवाई करी जा रही है। इटावा मुख्यालय पर स्थापित महात्मा ज्योतिबा फुले स्पोर्ट्स स्टेडियम में तैनात उपजिला क्रीडा अधिकारी मधु पांडे ने बैडमिंटन संघ के कथित सचिव और उसके बेटे पर धमकी देने और जान से मारने का आरोप लगाया है। मधु पांडे ने थाना सिविल लाइन में दिए प्रार्थना पत्र में राजकुमार वर्मा नाम के शख्स और उसके बेटे रोहन वर्मा का हवाला देते हुए कहा है कि वो जबरदस्ती हमारे ऑफिस में घुसकर न केवल धमका रहे हैं बल्कि जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं सिविल लाइन से थाना अध्यक्ष रामचंद्र दीक्षित ने तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए विभिन्न धाराओं में केस पंजीकृत करवाया। अमीर बता रहे हैं मैडम ने प्रार्थना पत्र दिया है, उनको दो तीन लोग जो है ऑफिस में आकर उनके साथ की कार्य बाधा पहुँचा के लिए उनके साथ में गाली गलौज किया और मारपीट करने का प्रयास किया। प्रार्थना पत्र के आधार पर उनका मुकदमा लिख दिया गया।
और अब बात करेंगे बहराइच के उस ऑडियो की जो पिछले काफी दिनों से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक छात्र को लगातार फोन करके अकेले मिलने का दबाव बनाया जा रहा है। समाचार प्लस की टीम ने ऑडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये ऑडियो दरअसल जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ा है। दरअसल यहाँ का एक आशिक मिजाज प्रधानाचार्य कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों को लगातार परेशान कर रहा है। हेलो, कहाँ हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहाँ हो? अभी इस टाइम सर लखनऊ निकल रही हूँ सर, कल पेपर है सर जल निगम में। जल निगम में पेपर है सर? यस सर। कौन कौन जा रहा है? सर मैं और ऋचा। तो आप लखनऊ सर? वो जो मेरे साथ लड़की जा रही है सर, उसकी दीदी का सर बाराबंकी में घर है। कब लौटूंगी सर? लौटूंगी सर कल। पेपर कितने बजे खत्म होगा तुम्हारा? सर पेपर खत्म होगा 2:30 बजे। एक काम करो, कल लौट आओ। पेपर देके सीधे लखनऊ यहाँ बहराइच आ जाओ। ओके सर, देखते मुझे आ जाओ, क्या दिक्कत तुम्हें? नहीं नहीं सर, वो बोल रही थी एक दिन रुकने के लिए, तो फिर मैं मना नहीं कर पा रही। नहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, जाना जरूरी है आपको। यस सर, मैं कह रहा हूँ कल आप आना जरूरी, तो सोच के ही कह रहा हूँ ना। यस सर, उसको मैनेज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कल तुम्हारा बहराइच आना हर हालत में जरूरी है। पेपर देख तुरंत निकल। इसमें 20-25 लोग घायल हुए, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, बताइए। और इसका मतलब यही है कि हम लोग न्याय मांगेंगे तो पुलिस लाठीचार्ज करेगी, हम लोग को समझाएगी, और हम लोग कितना समय दें? लेकिन फिर भी हम लोग ने 24 घंटे का समय दिया है। अब अगर 24 घंटे के बाद कार्रवाई नहीं हुई और प्रिंसिपल खुला टहल रहा है, बताइए, मतलब हमारे देश में ऐसा संविधान बना है कि हम लोग न्याय मांगे तो हम लोग को लाठीचार्ज हो और जो अपराधी है वो खुलेआम घूमे। तो आपने आशिक मिजाज प्रिंसिपल को सुना, और आइए अब आपको रोमियो इंस्पेक्टर से भी मिलवा देते हैं। दरअसल बदायूं मिसौली में युवती के व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजने वाले रोमियो इंस्पेक्टर एसपी उपाध्याय पर भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, उसे सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन आज भी जनाब की आशिकी का भूत उतरा नहीं है। रोमियो बना इंस्पेक्टर पीड़िता को तरह तरह से बदनाम कर परिवार को झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दे रहा है। यही नहीं, उसने 2 लाख रुपए की पेशकश करते हुए मुकदमा वापस लेने का भी दबाव बनाया है। बिसौली मुझे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्होंने मानसिक रूप से एक तरीके का दबाव बना के रखा है मेरे ऊपर फैसले का। आप फैसला कर लीजिए, फैसला नहीं करेंगे तो मैं आपको बदनाम कर दूंगा, मीडिया के सामने बदनाम कर दूंगा, और वो वैसा कर भी रहे हैं। उन्होंने मेरे गाँव वालों को खरीद कर मेरे ही खिलाफ अश्लील बातें कराई हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बदनाम करके रखा है। मेरे घर पर 2 लाख रुपये लेकर पहुँच गए कि फैसला कर लीजिए। किस चीज़ का फैसला? FIR वापस ले लीजिए अपनी। तो मैंने SSP से तत्काल बात करके इसको सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बोला है, प्लस आज ही मैं उनका ट्रांसफ़र भी करता हूं, और विवेचना को भी वहां से ट्रांसफ़र करके बरेली में किसी बढ़िया CO से हम करवाएंगे। और 164 का बयान अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये CO साहब की लापरवाही है, क्योंकि महिलाओं के केसेस में माननीय हाईकोर्ट का ऑर्डर है और तमाम जजमेंट्स में बात भी आई कि जल्दी से जल्दी इसका विक्टिम का 164 के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। हापुड़ के थाना सिटी कोतवाली इलाके के दिल्ली रोड पर मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। मारपीट की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा पुलिसकर्मी मामले को शांत कराने में लगा, लेकिन दबंगों ने पुलिसकर्मी को भी नहीं बख्शा। पुलिसकर्मी का भी लोगों को खौफ नहीं रहा और पुलिसकर्मी के सामने भी एक दूसरे को मारने लगे। बाद में पुलिस दोनों को थाने ले गई। संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद की बेटी सभी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई है। परिवार में कोई बेटा नहीं होने पर अपने गरीब परिवार का पेट पालने के लिए 18 साल की माधुरी ने घर चलाने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया है। हाई स्कूल तक पढ़ी लिखी माधुरी का सपना दरअसल टीचर बनने का था, लेकिन परिवार की गरीबी के सामने उसने परिवार संभालने का कदम उठाया। किसी तरह से लोन लेकर एक टेम्पो खरीदा और एक ड्राइवर रखकर उसको भाड़े पर दे दिया, लेकिन जब ड्राइवर रखने से उसका खर्च पूरा नहीं हो रहा था तो उसने खुद टेम्पो चलाना शुरू कर दिया। बेटी हमारे 400-500 जौन कमाल, कहियो नहीं कमाल ले ले, कहियो कमाइया नहीं हुई, घरे बैठ जाई है। आज कहियो कमाई भेल तो अपन कमा लिया, लेकिन गाड़ी हमार लोन का है। हमार बेटा, हम बेटा समझे ला, हाँ केहू जो कुछ कह दिला हम बेटा के कोर से अपने लड़ बैठी लख, हमार बेटा केहू भी कुछ कह सकला।